दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट एंड फिगर में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि एक एयरप्लेन कितना एवरेज देता है, यानी कि वो कितनी पेट्रोल कंज्यूम करता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी पुश करना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर हम बोइंग 747 एयरप्लेन की बात करें तो ये एयरप्लेन 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आसमान में उड़ता है और उड़ते समय ये हर सेकंड 4 लीटर फ्यूल यूज करता है। इस एयरप्लेन में एक मिनट के अंदर 240 लीटर फ्यूल लगता है और एक एयरप्लेन आसमान में उड़ते समय एक घंटे में 14,400 लीटर फ्यूल यूज करता है। अगर बोइंग 747 एयरप्लेन न्यू दिल्ली इंडिया से न्यूयॉर्क अमेरिका तक जाने में कुल 13 घंटे का समय लगता है तो इतनी देर में लगभग 1,87,200 लीटर फ्यूल लग जाता है। इसलिए दिल्ली से अमेरिका की टिकट की कॉस्ट 70,000 रुपये की है। एक एयरप्लेन एक लीटर में सिर्फ 83 मीटर चलता है, यानी 83 मीटर चलता है। एयरप्लेन से 1 किलोमीटर जाने के लिए 12 लीटर फ्यूल का कंजम्पशन होता है। और अगर हम आपको ट्रेन्स के बारे में बताएं तो एक इंडियन ट्रेन 1 किलोमीटर आगे जाने के लिए 4 लीटर डीजल यूज करती है। एक ट्रेन एक एयरप्लेन की तुलना में बहुत कम फ्यूल यूज करती है। एक एयरप्लेन का वजन 2,00,000 किलो तक होता है। एयरप्लेन को हवा में मेंटेन करना होता है, इसलिए ये 1 किलोमीटर में 12 लीटर फ्यूल यूज करता है। अब बात ये आती है कि एयरप्लेन में कौन सा फ्यूल यूज होता है। जैसे गाड़ियों को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल यूज किया जाता है और ट्रेन में भी डीजल यूज होता है, लेकिन एयरप्लेन में पेट्रोल या डीजल यूज नहीं होता। एयरप्लेन में अक्सर एविएशन फ्यूल यूज किया जाता है, जैसे अनलेडेड केरोसिन जिसे जेट A1 भी कहते हैं, नेफ्था केरोसिन ब्लेंड जिसे जेट B फ्यूल भी कहा जाता है। ये मेन 2 तरह के फ्यूल होते हैं, इनका अपना एक अलग ही फ्यूल होता है। ये 1 लीटर जेट फ्यूल की कॉस्ट 40 से 50 रुपये होती है, जो पेट्रोल और डीजल की तुलना में बहुत कम है। उससे बहुत लोग सोचते हैं कि एक एयरप्लेन आसमान में उड़ने से पहले जब ज़मीन पर होता है तो उसका इंजन नहीं चल रहा होता, तो उसके अंदर का AC, साउंड सिस्टम जैसी चीज़ें कैसे चलती रहती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब एयरप्लेन खड़ा होता है तो ग्राउंड पावर यूनिट GPU उसके जस्ट सामने होता है, जिससे उसको पावर मिलती रहती है और इसी से AC, साउंड सिस्टम जैसी चीज़ें चलती रहती हैं। तो दोस्तों ये थी एक ऐसी जानकारी जो बहुत कम लोगों को पता होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।